हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो 16 सितंबर को होने वाला था, अब उसकी डेट पोस्टपोन कर दी गई है। कैंडिडेट्स काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि उनका एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है, जबकि एग्ज़ाम की डेट बहुत ही नज़दीक आ गई है। तो आज यूजीसी नेट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिस अपलोड कर दिया है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन होगा। तो चलिए मैं इससे रिलेटेड न्यूज़ आपको पढ़ के बता देती हूँ। ये यूजीसी नेट 2020 नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने 16 सितंबर से शुरू होने वाली यूजीसी नेट स्थगित कर दी है। अब यह परीक्षा 24 सितंबर से शुरू होगी। विस्तृत शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। जल्द ही इसके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे। गौरतलब है कि यूजीसी नेट परीक्षा 16 से 18 और 21 से 25 सितंबर के बीच होनी थी। यूजीसी नेट के एडमिट कार्ड जारी न होने के चलते परीक्षार्थी पिछले कुछ दिनों से परीक्षा से जुड़ी अपडेट का इंतज़ार कर रहे थे। एनटीए ने सोमवार को नोटिस जारी कर कहा, नेट परीक्षा की तारीखें आईसीएआर परीक्षाओं और AICJRF, SRF, PhD से टकरा रही थी। ऐसे में यूजीसी नेट को रीशेड्यूल किया गया है। कुछ परीक्षार्थी ICAR और UGC नेट दोनों परीक्षाओं में बैठ रहे हैं। अब UGC नेट 2020 परीक्षा 24 सितंबर से शुरू होगी। UGC नेट का सब्जेक्ट वाइज और शिफ्ट वाइज शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। तो ये थी आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड न्यूज़। तो देखिए, एडमिट कार्ड आपका जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। ये रीशेड्यूल इसलिए किया गया है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो उन दो एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने वो दो एग्ज़ाम के फॉर्म भी फिल किए हुए हैं, तो क्लैश होने की वजह से वो सिर्फ एक ही एग्ज़ाम दे पाते। तो अब आपकी डेट जो है वो पोस्टपोन हो गई है। आपको तैयारी के लिए थोड़ा सा और टाइम मिल गया है, थोड़ा सा रिविज़न के लिए आपको टाइम मिल गया है। तो अपना रिविज़न अच्छे से कीजिए। ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।